नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर पे आसानी से घी बनाने का तरीका। घर पे घी बनाना ना सिर्फ किफ़ायती पड़ता है बल्कि एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हम लोग प्योर और अच्छा साफ सुथरा हाइजीनिक चीज़ खा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नई और एक्साइटिंग रेसिपी। सबसे पहले जानने के लिए वीडियो के नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। सबसे पहले मैं आपको दूध से मलाई उतारने का सही तरीका बताती हूँ। ये देखिए, ये रोज़ की तरह जैसे हम दूध उबाल के रखते हैं उस पर हम इस तरह से छेद वाली जाली को ढक के ही रखें जिससे कि सारी भाप इसमें से निकल जाए और मलाई हमारी मोटी और अच्छी जमेगी। या फिर हम चाहें तो इस तरह वाली जाली को भी ढक के हम इसे रख सकते हैं। इससे हमारी मलाई अच्छी जमेगी क्योंकि उसे हवा लगती रहेगी। ये देखिए, ये मैंने 10 दिन की मलाई इकट्ठी करके रखी है। मैं आज आपको आज वाले दिन की मलाई भी निकाल के बताती हूँ। इसके लिए हमें इस तरह से छेद वाला कोई भी चम्मच, जिसे चावल वगैरह हम लोग चलाते हैं ऐसे चम्मच की आवश्यकता होगी, या फिर चाय की छलनी छानने वाली, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको सूट करे, मैं आपको चम्मच से निकाल के बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से काटते हुए हमने मलाई को ऊपर हटा लेना है। देखिए, इसके छेद में से सारा जो दूध है वो टपक के झर गया है। हमने इस तरह से झाड़ के सारी मलाई को निकाल लेना है। ये देखिए, जितना कम दूध हमारी मलाई में जाएगा उतना ही गैस भी हमारा कम ही लगेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ी मलाई हम लें। अगर हम इस तरह से इसको ढक के और फ्रिज में रख देंगे तो हमारी मलाई और भी ज़्यादा अच्छी और गाढ़ी आएगी। ये दूध अभी गर्म है इसलिए इसमें से पतली मलाई आई है। ये देखिए, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। अब इस दूध को हम साइड में रख देते हैं। ये दूध भी अब पीने में बहुत ही अच्छा है, इससे मलाई उतर गई है तो अब इसमें फैट ज़्यादा नहीं है। अब ये जो मलाई हमारी फ्रिज में रखी हुई थी इसको हम थोड़ी देर बाहर रख देंगे और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए इसमें गांठे जो है उनको तोड़ लेंगे। कुछ समय बाद इसको मैंने कढ़ाई पर चढ़ा दिया है और कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। अब हम इसके धीरे धीरे मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए, साइड से हमारी मलाई पिघलने लगी है और आप देखें तो बिल्कुल पैन के किनारे पे अभी से घी आने लगा है। गुठलियाँ इसकी सारी इस तरह से हमें स्पैचुला से दबाते हुए तोड़ लेनी है। ये देखिए, किनारे पे अभी से घी जमना शुरू हो गया है। तो इस तरह से लगातार हिलाते हुए हमें तेज़ आंच पे मैं इसको अभी पका रही हूँ। ये मीडियम साइज़ वाला गैस है और इसे हम तेज़ आंच पे पका रहे हैं। ये सबसे बड़ा वाला बर्नर नहीं है, ये मीडियम साइज़ वाले बर्नर पे तेज़ आंच पे मैं इसे पका रही हूँ लगातार चलाते हुए। ये देखिए, मलाई रिड्यूस होनी शुरू हो गई है और इसका खोआ बनना इसमें से शुरू हो गया। ये देखिए, साइड में इसके घी हम अभी कढ़ाई में देख सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए हमें, ये देखिए, इस तरह से जाली पड़ते हुए इसे रिड्यूस करना है। नीचे से हमारा खोआ ब्राउन होने लगा है और घी अब इसमें ऊपर आने लगा है। तो इस समय हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। इस नींबू के रस को निचोड़ने से फ़ायदा ये है कि जिस तरह दूध में नींबू निचोड़ने से दूध फट जाता है, उसी तरह ये हमारी मलाई भी फट जाएगी और इसमें से खोआ नीचे बैठ जाएगा फट के और घी जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो 10 दिन की हमारी बासी रखी हुई मलाई है उसमें एक बासी स्मेल सी जो आने लगती है वो भी नींबू से एकदम फ्रेश हो जाएगी मलाई हमारी, और हमारे घी में से कोई भी बदबू या स्मेल नहीं आएगी और घी बहुत ही दानेदार बनेगा। तो ये एक टिप मैंने आपको इस समय दिया, जब भी आप मलाई बनाएं तो उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दें। ये देखिए, नींबू डालते ही मलाई हमारी फटने लगी है और बिल्कुल फट के मावा नीचे बैठ गया है और घी की तरी ऊपर आ गई है, आप देख सकते हैं। तो इससे हमारी गैस भी कम लगेगी और मलाई हमारी फटाफट बन जाएगी। देखिए, मावा फट चुका है तो अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहना है। 2 मिनट और बीत चुके हैं तो मैं इसे एक बार और हिला देती हूँ। ये खोआ बिल्कुल अलग हो गया है, नीचे से ही ब्राउन होने लगा है सिक्के, तो हम एक बार इसे हिला देते हैं और घी इसमें ऊपर आ गया है। अभी हम चाहें तो इस समय इसे छान के इसका खोआ अलग कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल वाइट खोआ जैसा हम मार्केट से लाते हैं वैसा ही खोआ है। या फिर अगर आपको मावे की आवश्यकता नहीं है तो हम इसे आगे और चलाते रहेंगे। अभी मैंने गैस को
तेज से मीडियम फ्लेम पे कर दिया है, क्योंकि इस स्टेज पे घी जो है वो उछल के छिटकता है, तो आप इसका ध्यान रखें कि ये छिटक के छींटे आप पे ना पड़ जाएं, तो इसलिए मैंने इसको धीरे कर दिया है। आप इस तरह से धीमी आंच पे भी हिलाते हुए खोए को आप लगातार चलाते रहें, और ये देखिए खोआ इसमें से अलग हो गया और घी पूरा ऊपर आ गया है। अभी इसे हम 2-3 मिनट धीमी आंच पे और चलाएंगे, उसके बाद जब खोआ हमारा सिक के पूरा ब्राउन हो जाएगा तब हम इस घी को छान लेंगे। ये देखिए थोड़ा और कलर हमारे खोए का बदल गया है, और जितनी ज़्यादा मलाई थी वो अभी कितनी रिड्यूस हो गई है, ऊपर इसमें झाग आने लगे हैं, तो ये स्टेज है कि हमारी मलाई पक गई है। 2 मिनट और हो चुके हैं और देखिए खोआ हमारा भुन के बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब हमारी मलाई में से घी पूरी तरह से निकल चुका है। इस तरह से इसमें ऊपर झाग आने लगे हैं, तो हमारा घी बन के बिल्कुल तैयार है। और अगर आप 10 दिन से ज़्यादा दिन की मलाई रखना चाहें तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप फ्रिज की बजाय उसे फ्रीज़र में रख के स्टोर करें, तो आपकी मलाई ज़्यादा दिन चल जाएगी। जैसे आप अगर कम दूध लेते हैं और आप चाहते हैं 12-15 दिन की मलाई का घी बनाएं, तो आप उसे फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए। अब हम इसे छान लेते हैं। ये इस तरह की एक लोहे के तार वाली मोटी जाली हम लेंगे और हमारे खोए में से घी को हम इस जाली में से छान लेंगे। तो ये देखिए इस जाली पे मैं धीरे धीरे घी डाल रही हूँ, तो घी हमारा छन के इसमें नीचे आ रहा है और मावा हमारा ऊपर रह जाता है। ये देखिए इस खोए में से घी निकल चुका है और हमारा घी नीचे बन के बिल्कुल तैयार है। हम इसे चाहें तो एक साथ इस तरह से डाल लें, पर सावधानी रखें ये बहुत गर्म होता है। तो ये हमने सारा घी हमारे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, मावा हमारा ऊपर रह गया है। इसे हम एक बार चम्मच से हिला के अच्छे से दबा दबा के इसमें से भी सारा घी निकाल लेते हैं। तो ये हमने घी इसमें से पूरा छान लिया है। घी हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा शुद्ध गाय के घी का जो रंग होता है, बहुत ही बढ़िया खुशबूदार और शुद्ध देसी घी हमारा बनके तैयार हुआ है। एक बहुत ही किफ़ायती और आसान तरीका मैंने आपको घर में घी निकालने का बताया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अच्छा खाना बनाते रहें।